गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने बाल में मेहंदी लगाने जा रही हूँ। मेरे बाल बहुत ही रूखे सूखे से हो चुके हैं, तो मैंने सोचा कि चलो आज मेहंदी लगाते हैं, जो कि ओरिजिनल पत्ते वाली मेहंदी है। और मैं पैकेट वाली मेहंदी नहीं लगाती हूँ, बहुत ही रेयर केस में लगा लेती हूँ, बट मैं ज़्यादातर पेड़ वाले मेहंदी ही लगाती हूँ बालों में, अदरवाइज मैं हाईलाइट करवाती हूँ। सो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने एक पूरे बॉल ये पत्ते वाली मेहंदी ले लिए हैं और अब मैं इसे ग्राइंड करूँगी, और ग्राइंड करने के बाद मैं अपने बालों पे अप्लाई करूँगी। बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो कि आपके बालों पे जब अप्लाई हो ये मेहंदी तो काफ़ी शाइन करे। तो फर्स्ट के इसमें मैं जो बेबी जॉनसन ऑयल डालूंगी 6-7 बूंद, और मैं अब इसे ग्राइंड करूंगी, और ग्राइंड करने के बाद मैं इसे अप्लाई करूंगी हेड पे, जो कि अप्लाई करने के बाद तकरीबन मिनिमम मैं 1 घंटा तो मैं रखती हूँ। और मैं आपको भी बोलना चाहूँगी 1 घंटा प्लीज़ रखें, क्योंकि ये मेहंदी ओरिजिनल है तो काफ़ी अच्छा होगा। और जो पैकेट वाली मेहंदी है तो आधा घंटा, वो केमिकल होते तो आधा घंटा में चलो हो जाता है, बट ये ओरिजिनल है, 1 घंटा भी रखोगे तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, अच्छा है ये। सो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि देख रहे हैं आप, मेरा जो मेहंदी है वो पेस्ट हो चुका है, मैंने इसे 2 मिनट अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। सी, अब हम इसे अप्लाई करेंगे। पहले तो मैं अपने बालों को अच्छे से लेयर निकाल देती हूँ, जो एरिया मुझे अच्छे से रेड करना है। ये परत डाल लेती हूँ, बेबी डोंट गो दैट साइड, सी एंड आप अगर ऐसे लगाओगे तो काफ़ी देर तक आपके बालों पे वो टिके रहेंगे और गिरेंगे नहीं, और ये रेडनेस भी अच्छा आ जाएगा, जो हमें कलर चाहिए वो कलर आ जाएगा। सो अब हम ये लेयर को ऊपर करते हैं। अब इस पे अप्लाई करते हैं। डोंट डू व्हाट आई एम सेइंग ओजस, सी मेरा जो बेबी है वो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है मेहंदी लगाते समय, तो मुझे उसे भी देखना होता है, और सोचती हूँ चलो वीडियो भी बनाती हूँ। पर अब मेरा मोस्टली मुझे लग चुका है मेरा, अब जैसा कि देख रही हो मेरा मोस्टली अब लग भी चुका है। देखिए जैसा कि अब ये रेडनेस आ रहा है, बट ये लाल नहीं होगा, तो इसके लिए टेंशन नहीं लीजिएगा आप लोग। अगर हम फेस पे भी चला जाता है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे, क्योंकि ये सिर्फ बाल में या हाथ पे ही लाल होगा, अदरवाइज ये लाल नहीं हो सकता है। तो हम अपने बालों को अच्छे से कैरी कर लेंगे, जो कि वो धीरे 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 आपके बालों के अंदर चला जाए और आराम से रेड हो जाए। तो कैसा लगा मेरा वीडियो प्लीज़ बताइएगा मुझे, और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, एंड प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपने कैसा लगाया, आपको कैसा लगता है मेहंदी लगाना। और हाँ गाइस, प्लीज़ एक बात का ध्यान रखना कि हमें इसे 1 घंटे के लिए तकरीबन रखना ही रखना है,